दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से इंडायरेक्टली भारत द्वारा किए जाने वाली रूसी तेल की खरीद पर चोट करने के बाद अब आखिर भारत एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिससे न कि केवल भारत अमेरिका चीन और ब्रिटेन पर अपनी निर्भरता कम करेगा बल्कि इससे भारत के अंदर एक बेहद ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री का विकास भी किया जाएगा जो कि ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट पर भारत की पकड़ मजबूत करेगा, जिसके तहत आखिरकार अब भारत अपने कंटेनर और शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दे रहा है और इसका विकास करने के लिए भारत एक काफी बड़ा फैसला लेने जा रहा है जिसके तहत हम भारत के अंदर स्वदेशी रूप से कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को हवा देने के लिए एक नई पीएलआई स्कीम को सामने लाने की योजना बना रहे हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ा कदम होगा। दोस्तों, शुरू से ही भारत ने स्वदेशी रूप से शिपिंग ग्रेड कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अभी तक भारत इन्हें चीन से आयात किया करता था जो कि चीन के ऊपर हमारी निर्भरता को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान का निर्यात और आयात करने के लिए भी भारत अमेरिका ब्रिटेन और कई दूसरे पश्चिमी देशों की कंपनियों का सहारा लेता था, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा हमें तब भुगतना पड़ा जब ब्रिटेन और अमेरिका ने एक साथ मिलकर अपनी कंपनियों को चेतावनी दे दी कि 5 दिसंबर के बाद अगर इन कंपनियों ने रूस का तेल ऑयल प्राइस कैप के गाइडलाइन के ऊपर की कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया तो इनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रिटेन और अमेरिका की कई शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनियां डर गई, जिससे भारत पर भी दबाव बनने लगा क्योंकि भारत रूस से फिलहाल सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। मौजूदा समय में भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 23% रूस से ही पूरा करता है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह बन गई कि हम रूस से तेल तो खरीद लेंगे लेकिन क्योंकि हमारे पास खुद इतनी संख्या में शिपिंग कंटेनर और ट्रांसपोर्ट शिप्स नहीं है इसीलिए हम इन्हें भारत तक नहीं ला सकेंगे और क्योंकि भारत ऑयल प्राइस कैप को नहीं मानने वाला इसीलिए प्राइवेट कंपनियां भी भारत की मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण समय पर भारत द्वारा अपने देश में शिपिंग कंटेनर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का विकास करने के लिए बिल्कुल नए पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को सामने लाना काफी अच्छा और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जिससे भारत की प्राइवेट कंपनियां भारत के अंदर ही शिपिंग ग्रेड कंटेनर को मैन्युफैक्चर करेंगी और भारत को इन्हें चीन से खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। वहीं इसके साथ ही भारत अपने शिपिंग इंडस्ट्री का भी विकास कर सकता है जिससे धीरे धीरे भारत तेल और नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए कभी भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा जो कि सच में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे हकीकत बनने में कई सालों का समय लग सकता है लेकिन अगर हमने इस साल भी इसकी शुरुआत कर दी तो आने वाले 5 से 6 सालों में भारत शिपिंग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और कार्गो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक वर्ल्ड लीडर बनकर सामने आ सकता है। वहीं इसी बीच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से भारत के लिए काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि मेक इन इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके तहत वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप की तरफ से एक नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करने की बात कही जा रही है जो कि गुजरात में लगाए जाने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट से भी ज्यादा बड़ा होगा। वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप की तरफ से यह बात कही गई है कि वह महाराष्ट्र में एक नए सेमीकंडक्टर यूनिट को स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं जो कि गुजरात से भी बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप 1,54,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने वाले हैं जो कि काफी बड़ी बात है। यह कितनी बड़ी खबर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात में लगने वाली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से ही भारत अपनी जरूरत का 60 से लेकर 70% तक सेमीकंडक्टर बनाने की योजना बना रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में भारत देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर लेगा कि न कि हम केवल अपनी जरूरत का 100% सेमीकंडक्टर भारत के अंदर ही बनाएंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टर को एक बड़े निर्यातक देश भी बन जाएंगे। वहीं आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इस साल तक सेमीकंडक्टर का ग्लोबल मार्केट लगभग $600 बिलियन तक पहुंच चुका है और आने वाले केवल कुछ ही सालों में यानी कि साल 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि भारत यहां पर कितने बड़े बाजार में कदम रखने के बारे में सोच रहा है। वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप अगर महाराष्ट्र में भी गुजरात जितना या फिर उससे बड़ा निवेश कर देती है और सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन कर दिया जाता है तो इससे भारत के अंदर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में विकास करने की योजना को काफी बड़ा मोमेंटम मिलेगा जिससे भारत समय से पहले ही अपनी सोची हुई क्षमता को हासिल कर सकता है जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई इन दोनों खबरों को मिलाकर देखा जाए तो एक बात तो साफ है कि चाहे बात हो कंटेनर और शिपिंग इंडस्ट्री की या फिर सेमीकंडक्टर जैसी जटिल टेक्नोलॉजी को विकसित करने की, भारत हर क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं वह समय अब दूर नहीं जब भारत लगभग हर क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर बन जाएगा जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।